जय बद्री विशाल। दोस्तों एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी भूस्खलन की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस तरह से पहाड़ टूटकर एकदम भर भरा कर बद्रीनाथ मार्ग पर आ रहा है। इसके बाद बद्रीनाथ मार्ग बंद हो गया। हालांकि मार्गों को खोलने का काम इस समय किया जा रहा है, लेकिन जोशीमठ से 13 किलोमीटर ये देखिए किस तरह से पूरा भर भरा कर पहाड़ एक बार फिर से टूट आया है। पिछले दिनों भी इसी जोशीमठ के दायरे में लगातार पहाड़ टूटते रहे हैं और एक बार फिर से आज जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले की ये तस्वीर है हेलंग की। यहाँ पे पहले छोटे से पत्थर गिरे जिसके बाद मार्ग को बंद कर दिया गया और बाद में पूरी पहाड़ी और अभी भी लगातार इस पहाड़ी पे खतरा बना हुआ है क्योंकि लगातार ये पहाड़ी जो है वो दरक रही है और गिर रहे हैं। रात को बारिश हो रही है, दिन में धूप हो रही है जिस कारण ये पहाड़ अब टूट रहे हैं, मार्ग बंद हो रहा है, यात्री जो हैं वो दोनों ओर फंस रहे हैं। हालांकि ये तो खुल जाएगा लेकिन ये बार बार अगर इसी तरह टूटता रहा तो कभी भी कोई बड़ा भूस्खलन यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि ये पहाड़ी अभी ताज़ा ताज़ा नया स्लाइड बना है और टूटने की तस्वीर ये अब देखिए यहाँ पे किस तरह से एकदम भूस्खलन हो रहा है और पूरा पहाड़ टूटकर एकदम सड़क मार्ग जो बद्रीनाथ मार्ग है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ये है जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले इस तरफ को ऋषिकेश जाने वाला रूट है और उधर बद्रीनाथ हेमकुंड नीतिमाणा घाटी बद्रीनाथ हेमकुंड सारा उस तरफ से जाना है। लेकिन ये देखिए किस तरह से पूरा एकदम टूटकर भर भरा कर धूल मिट्टी पत्थर सब कुछ जमीन पर सड़क मार्ग पर आ गया है। इस समय मानसून का दौर है, यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के चले, देख के चले, रास्तों में कहीं पर भी रिस्की बड़ा है क्योंकि बारिश और धूप हमेशा पहाड़ों के लिए ठीक नहीं होती है। इसी कारण जो है वो लगातार ये पहाड़ टूटकर भर भरा कर गिर रहे हैं और अभी इससे पहले भी हमने देखा था जोशीमठ से 2 किलोमीटर पहले ही जब पहाड़ टूटने की तस्वीर आई थी, वहीं जोशीमठ से 30 किलोमीटर या 20 से 30 किलोमीटर के बीच में जब पाताल गंगा में भी एक बार भूस्खलन की तस्वीर खौफनाक वाली तस्वीर आई थी। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ये पहाड़ी लगातार दरक रही है, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं और उसके बाद पूरा पहाड़ यहाँ पे गिरकर एकदम बद्रीनाथ मार्ग पे आ गया जिसके बाद मार्ग को बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे गनीमत यह है कि उतना मलबा सड़क मार्ग पर नहीं आया है जिस कारण मार्ग को 2 से 2.5 घंटे में खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी बंद है लेकिन कुछ देर बाद खुल जाएगा, जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय बंद है लेकिन कुछ देर बाद खुल जाएगा। लेकिन पहाड़ों में जब भी आप चलें तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आपको डरा सकती हैं। और देख के चलें, ये देखिए किस तरह से टूट रहा है, इतना खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ है। चलिए दोस्तों जय बद्री विशाल। आज पूरा बद्रीनाथ मार्ग खुला था लेकिन यहाँ पर ये भूस्खलन के बाद मार्ग एक बार फिर से बंद हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ये मार्ग खुल जाएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।